Frankly, we didn't know what limbo skating was. Tilak started practicing normal roller skating. During his practice, he used to split his legs apart and skates for fun. His coach noticed him and told us he is extremely flexible and should take up limbo skating. And he was so good that he was entered into Limbo Kampung of Records on 31st May 2015. ये जो तिलक जो लिम्बो करता है तो डर तो बहुत लगता है माँ जो हूँ क्योंकि वो जो उसका स्प्लिट करने के समय उसका बैलेंस गुम हो जाता है तो उसका मुंह में चोट बहुत लग सकता है फिर भी मैं तिलक का कॉन्फिडेंस और उसका फोकस में मैं उससे ट्रस्ट हूँ इसीलिए थोड़ा डर तो कम हो जाता है का कोच करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है वो एक डेडिकेटेड और एक हार्ड वर्किंग बच्चा है और वो जिस तरह स्केटिंग कर रहा है वो इंडिया का काफ़ी ऊंचा नाम करेगा लिम्का बुक रिकॉर्ड से तिलक को जो रिकॉग्निशन मिली है उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं जैसे आपको तो पता ही है हिंदुस्तान के अंदर फुटबॉल क्रिकेट इन पे फोकस होता है तो काफ़ी पेरेंट्सों को तिलक को देख के रिकॉर्ड देख के सबको ये लगा कि हमें अपने बच्चे को तिलक जैसा बनाना चाहिए मैं चाहती हूँ तिलक बड़ा हो के अच्छा इंसान बने और इंडिया का नाम रोशन करे